Hey guys, hello, namaste, sat sri akal, मैं हूं आपका होस्ट गुरप्रीत। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं अलॉय व्हील्स के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट एंड वाइटल इन्फॉर्मेशन। ये इन्फॉर्मेशन 90% ऑफ अलॉय व्हील शॉप वाले आपको नहीं बताते हैं। ये एक बहुत क्रिटिकल और सेफ्टी इशू है। आपकी गाड़ी में आप होते हैं, आपकी पूरी फैमिली होती है, मुझे नहीं लगता कोई प्राइस आपकी फैमिली की लाइफ से ज़्यादा होगा। तो ये आप ज़रूर देखें, ये उनके लिए इंपॉर्टेंट है जो अलॉय व्हील लगवा चुके हैं या फिर जो अलॉय व्हील लगवाने वाले हैं। और मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ आफ्टर मार्केट अलॉय व्हील्स की, ये इशू कंपनी के और स्टॉक अलॉय व्हील वाले में नहीं आता। तो अगर आपकी गाड़ी में कंपनी से अलॉय व्हील लगाए हुए हैं तो उसमें इशू नहीं होगा। ये सिर्फ आफ्टर मार्केट अलॉय व्हील्स के अंदर ही ये चीज़ होती है, क्योंकि इसकी एप्लीकेशन एक गाड़ी में नहीं बहुत सारी गाड़ियों के लिए बनाई जाती है। तो ये क्या चीज़ है, क्या इसमें इंपॉर्टेंट है? महंगे अलॉय व्हील के साथ जनरली ये चीज़ आती है, बट अगर आपने अलॉय व्हील्स खरीदे हैं जो महंगे सिर्फ प्राइस की वजह से नहीं, जो इसमें वेल इंजीनियर्ड, जो प्रॉपरली कुछ गाड़ियों के लिए बने होते हैं, जिसके साथ पूरा हार्डवेयर आता है, सारा के सारे चीज़ें आती हैं, तो ये बेसिकली जो पार्ट है इसको बोलते हैं हब सेंट्रिक रिंग। अब ये क्या चीज़ है, क्या प्रोडक्ट है, मैं आपको दिखाता हूँ टायर के अंदर। चलिए टायर खोलते हैं और दिखाते हैं कि ये क्या चीज़। तो गाइस मैं बात कर रहा हूँ इस चीज़ की जो है हब सेंट्रिक रिंग। ये क्या चीज़ है, तो क्या काम है आपको बताता हूँ। देखिए ये एक आफ्टर मार्केट अलॉय व्हील है जो बना हुआ है लगभग 5 से 6 गाड़ी के अंदर फिट होने के लिए। इसको बोलते हैं हब बोर। तो गाइस आप देख पा रहे हैं गाड़ी का पीछे वाला हब है ये। अगर आप देखें तो इसके अंदर एक ये रिंग है, इसको बेसिकली बोलते हैं हम हब रिंग। तो गाड़ी का जो वेट होना चाहिए वो सारा हब रिंग पे होना चाहिए, ना कि व्हील लग्स पे। आप देखिए तो इसमें थोड़ा थोड़ा गैप है इन सब के बीच में, ये देखिए आप, तो थोड़ा गैप है क्योंकि ये जो पार्ट है यही जो है वो गाड़ी का वेट पूरा उठाता है। लेकिन अलॉय व्हील में और रिम में फर्क क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। अलॉय व्हील में हम जिसकी बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे इस हब रिंग की। तो ये हब रिंग आपकी गाड़ी में ये ऐसे लगता है, हर अलॉय व्हील के हिसाब से हब रिंग छोटा बड़ा या मोटा हो सकता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसकी फिटिंग रिम में कैसे होती है, मैं आपको दिखाता हूँ। रिम लगा दिया है, आप देखिए ये जो पूरा सर्कल है जो हब रिंग है वो इस आउटर सर्कल से मैच कर रहा है, तो इसका मतलब इसमें कोई गैप नहीं है, किसी रिंग की जरूरत नहीं है। ये कंपनी का एक रिम है, कंपनी के अलॉय व्हील के अंदर भी ये पूरा मैच होता है, इसमें कोई भी गैप नहीं होता है। बट अलॉय व्हील में ऐसा क्या होता है मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो आप देखिए मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ फर्क अलॉय व्हील में। तो अलॉय व्हील का ये हब बोर है, इसको बोलते हैं हब बोर। अब ये हब बोर रखा जाता है बड़ा ताकि ये बहुत सारी गाड़ी में फिट आ जाए। तो समझ लीजिए ये किसी स्कॉर्पियो या किसी बड़ी गाड़ी में फिट आने वाला है, उसका जो लग पैटर्न, जो बोल्ट का पैटर्न होता है वो सेम होता है। तो अगर ये वहाँ पे आना हो तो इसको बड़ा करना पड़ता है। तो छोटी गाड़ी में लगाने के लिए क्या करना पड़ता है, इसके अंदर लगाना पड़ता है ये रिंग। तो अगर आप देखें ये रिंग, ये रिंग देखिए आप, ये रिंग फिट हो जाता है इसके अंदर। तो आप देखिए ये देखिए रिंग फिट हो गया। इस रिंग के फिट होने से मतलब ये है, ये इसका जो गैप था उसको ये खत्म कर देगा, और गैप खत्म होने की वजह से जो वेट है वो सारा दोबारा इसके ऊपर आ जाएगा, ना कि व्हील लग्स पे। ऐसे बहुत सारे चांसेस होते हैं गाइस जहाँ पे गड्ढे में गया और लग टूट गए। अभी तो ये 5 नट वाली गाड़ी है, कई बार 4 नट वाली गाड़ी होती है, व्हील नट्स टूट जाते हैं और गाड़ी में अलॉय व्हील अलग हो जाता है। सिर्फ इस छोटी सी चीज़ की वजह से जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ इस छोटी सी चीज़ की वजह से अगर मैं आपको बताऊं बहुत बड़े बड़े एक्सीडेंट हो सकते हैं, और आपकी फैमिली उसमें गाड़ी में बैठी होगी तो आप सोचिए इस छोटी सी चीज़ की वजह से। ये कुछ महंगा नहीं है, इट इज़ जस्ट दैट ये बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशंस में अवेलेबल है। जितना साइज़ बड़ा होगा, जितना गाड़ी में अलॉय व्हील लगाना हो, तो
तो आप देखिए ये इसमें लगा, इसकी वजह से ये गैप इसका पूरा हो गया, ये गैप पूरा हो गया, इसकी वजह से यहां पे कोई भी किसी भी तरीके की प्ले नहीं आएगी और ये आपका बिल्कुल परफेक्ट काम करेगा। तो इसी वजह से ड्राइविंग कंफर्ट ख़त्म हो जाता है, गाड़ी में वाइब्रेशन शुरू हो जाती है, स्टेयरिंग में वॉबलिंग शुरू हो जाती है, सस्पेंशन में आवाज़ आनी शुरू हो जाती है और ऐसी बहुत सारी चीज़ें। तो जो कंफर्ट है वो इसी चीज़ से आता है और कंफर्ट से ज़्यादा सेफ्टी इसका मैटर है। तो गाइस ध्यान रखिए, इसको ज़रूर लगवाएँ एंड थैंक यू।